हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। लगभग 11 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ घुमाना, क्योंकि आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की व्लॉग वीडियो में आप देखेंगे कि मैं मेरी मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, और वो गिफ्ट आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो घुमाना चलेंगे, पहले गिफ्ट लेके आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो गिफ्ट को देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं घुमाना, जो कि है इस साइड। तो गाइज, मम्मी के लिए गिफ्ट ले लिया है और हम यहाँ रुक चुके हैं BMB के ऊपर, और यहाँ पे कुछ कचौरी वगैरह खाते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइज, कुकड़ी खाएंगे। कचौरी खाने के बाद कुकड़ी, बुट्टी, शिट्टा। तो गाइज यार, एक बार रुक के भुट्टा खा लेते हैं, इनकी कुकड़ी। हमारे यहाँ 20 रुपए की मिलती है, और अगर बिना पके ले तो 10 रुपए की। आपके वहाँ कितने रुपए की मिलती है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये खाने के बाद चलते घर। तो दोस्तों, मेरी मम्मी के लिए जो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, वो इसीलिए लेके आया हूँ। देखिए, जब ये गर्मी के अंदर खाना बनाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इनके लिए मैं एक छोटा पंखा लेके आया हूँ। बड़ा पंखा लगा नहीं सकते क्योंकि चूल्हे में आँच नहीं जलती, फिर पंखा है जो आँच जलने नहीं देता। तो मैं एक छोटा पंखा लेके आया हूँ जो कि सूटेबल रहेगा। आपको कैसा लगा वो पंखा, नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको दिखाता हूँ। खाना बनाते समय मेरी मम्मी को लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, और वहाँ पर पराठा लगा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत तेज़ हवा देता है और उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, और फिर लाइट भी चली जाती है, इन्वेटर है नहीं। तो अभी ये पंखे की मैं ओपनिंग करके दिखाता हूँ आपको। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसमें दिए हैं। दोस्तों, ये पंखा मैंने 1600 रुपये का परचेज किया था, और इसके फीचर्स की बात करें तो ये दो स्विच पे चलता है। ऊपर की साइड दबाएंगे तो धीरे चलेगा, और नीचे की साइड दबाएंगे इस बटन को तो तेज़। और इस बटन की बात करें तो दोस्तों, इसमें लाइट है, यानी कि कभी लाइट भी चली जाएगी तो अंधेरे में खाना नहीं बनाना पड़ेगा मम्मी को। ये देखिए, बहुत अच्छी लाइट है इसमें। और 1600 रुपये के प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें तो पंखे में मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगा। ये इसकी चार्जिंग केबल है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए केबल साथ दी गई है। इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो ये 3 घंटे का बैटरी बैकअप बताया था, इनकी लाइट जाने के बाद तक भी 3 घंटे तक पंखा चलता रहेगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बाकी मम्मी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा डिसीजन, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, बारिश आ रही है, और आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट था मेरी मम्मी के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल कर दें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय।